सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। आप यदि लखनऊ से आ रहे हैं तो उन्नाव का बदला हुआ नज़ारा इस तरह से दिखेगा, जिसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यह बदला हुआ उन्नाव शहर है जो आज के 15 साल पहले, यदि आप उन्नाव आए होंगे तो आज के समय में यदि उन्नाव पहुंचेंगे तो आप भूल जाएंगे या उन्नाव शहर है या कोई बहुत बड़ा शहर है। इस तरह का उन्नाव का नज़ारा हो गया है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। उन्नाव की सड़कें, उन्नाव के रास्ते इस तरह से बदल गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। यदि आप 10 से 15 साल पहले इस उन्नाव से निकले होंगे और यदि आज इस उन्नाव से निकल रहे होंगे तो आप ये पहचानना भूल जाएंगे, ये वही उन्नाव है जहां सड़कें गड्ढों में तब्दील हुआ करती थी, जहां पर निकलना मुश्किल होता था, रोड पर वाहन चलना काफ़ी दिक्कत का कारण बन जाता था, कई बार एक साथ में 4 या 3 वाहन नहीं निकल पाते थे। आज उन्नाव हाईवे से 10-10 वाहन एक साथ में निकल रहे हैं। उन्नाव के अंदर प्रवेश करने पर उन्नाव बिल्कुल चकाचौंध लग रहा है। उन्नाव की सड़कें, उन्नाव की बस्तियां, उन्नाव के मोहल्ले बिल्कुल बदले हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम कह सकते हैं उन्नाव शहर बदल गया है। कानपुर लखनऊ के बीच में बसा हुआ यह उन्नाव शहर 15 साल में बिल्कुल अलग दिखने लगा है, जिसे देखकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। यदि 15 साल पहले इस उन्नाव में रहते होंगे और आज वापस उन्नाव आकर अपने घर पहुंचने वाले होंगे तो हो सकता है कि एक बार आप ये भूल जाएं किस गली से हम निकलें जो अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि उन्नाव का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका है। ये आपको कुछ भाग उन्नाव का हम दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा नहीं दिखा सकते हैं, समय के अभाव की वजह से कुछ भाग ही आपको दिखा पाए हैं उन्नाव का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्नाव का नक्शा किस तरह से बदला हुआ है। बहुत सी ऐसी सड़कें थी जहां पर आप निकल नहीं सकते थे, ऐसे रास्ते थे जहां पर आपकी कार नहीं पहुंच सकती थी, बाइक नहीं पहुंच सकती थी। आज उसी उन्नाव में आपके 4-4 गाड़ियां एक साथ पहुंच सकती हैं, निकल सकती हैं। कई बार उन्नाव से हरदोई बांगरमऊ जाने के लिए वाहन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज वाहनों के अंबार है, बहुत से वाहन दिन भर चलते रहते हैं। जो आप देख रहे हैं ये उन्नाव का ओवरब्रिज है जो पुराना है। ये ओवरब्रिज पहले कभी भारी भीड़ का कारण हुआ करता था, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल सामान्य स्थिति में दिख रहा है। बहुत अच्छी तरह से आपको सड़कें नज़र आ रही होंगी, आसपास के नज़ारा जो है वो भी काफी अच्छा दिख रहा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।